खबर झांसी से। झांसी के मोरानीपुर में जहां झांसी के डीआईजी कलानिधि निथानी और मंडल आयुक्त विमलेश दुबे ने लोकसभा चुनाव को लेकर बनाए गए बूथों को स्थायी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने संवेदन और अति संवेदनशील बूथों के बारे में जानकारी लेते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही चुनाव ड्यूटी में पुलिस फोर्स के ठहरने की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। झांसी के मंडल आयुक्त विमलेश दुबे, डीआईजी कलानिधि नेथानी मोरानीपुर ग्रामीण क्षेत्रों के बूथों का निरीक्षण किया। वही ग्रामदेव विद्यालय में चुनाव ड्यूटी के लिए सुरक्षा कर्मियों के ठहरने की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान मंडल आयुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए तैयार है। वही जिला प्रशासन द्वारा एफएसटी टीम लगातार भ्रमणशील है, जो आने जाने वाहनों की चेकिंग करने में लगी है। वही डीआईजी कलानिधि नेथानी ने बताया कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए पुलिस बल पूरे तरीके से तैयार है और आज संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया गया। वहीं मध्य प्रदेश की सीमा बॉर्डर का भी निरीक्षण किया गया। सर, आपके द्वारा आज ग्रामीण क्षेत्रों का बूथ भ्रमण किया गया है, क्या कुछ निरीक्षण में रहा है, क्या कमियां पाई गई, क्या दिशा निर्देश दिए? देखिए, आज हम लोगों का भ्रमण था, मेरे साथ हमारे डीआईजी साहब रेंज के हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य था ऐसे सभी बूथों का भ्रमण करना है जो किसी भी कारणों से संवेदनशील हैं। हमारे भ्रमण का मुख्य उद्देश्य था कि वहाँ की संवेदनशीलता को हम किस प्रकार से कम करें, दूसरा वहाँ के हमारे बूथों की जो हमारी तैयारी है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। और मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो व्यवस्थाएँ हमने देखी हैं उसके हिसाब से मऊरानीपुर के लगभग सभी बूथ पूरी तरह से चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए तैयार हैं। हमारे द्वारा ग्राम प्रधानों से तथा अन्य प्रतिनिधियों से भी बात की गई, ग्रामवासियों से बात की गई और सबको ये आश्वस्त किया गया कि शासन की मंशा है कि लोग बढ़ चढ़ करके चुनाव में भाग लें, अधिक से अधिक मतदान करें और बिल्कुल निर्भीक होकर के मतदान करें। इस प्रकार की पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है। लगभग सर कितने बूथ हैं ऐसे संवेदनशील में जहाँ पर जाता सकते सर यहाँ पर? ये पूरी संख्या तो देखिए मैं एकदम नहीं बता पाऊंगा आपको, ये आपके एसडीएम साहब से आपको ज्ञात हो जाएगा, लेकिन हमने संवेदनशील और अति संवेदनशील भ्रमणों का सभी बूथों का भ्रमण किया। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम लोगों ने सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पे वेबकास्टिंग की व्यवस्था की है। तो अगर कोई भी ऐसा तत्व जो किसी भी प्रकार की उपद्रव करता है या कुछ करता है तो उसकी पूरा फोटोग्राफ होगा, कैमरे लगे होंगे, तो पूरी व्यवस्था है और मुझे आशा है कि हम लोग सकुशल संपन्न कराएंगे चुनाव को। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर आपके द्वारा आज प्रमाण किया गया है और किस तरीके से चुनाव को संपन्न कराए जाने के लिए क्या है? पांचवें चरण में 20 मई को झांसी परिक्षेत्र में लोकसभा चुनाव जो है उसको कराया जाएगा। इसके लिए जो क्रिटिकल और वल्नरेबल जो चिन्हित किए जाते हैं, मतदान केंद्र कह लीजिए या क्षेत्र कह लीजिए, जो वल्नरेबल एरियाज होते हैं, हेमलेट्स होते हैं, वहां पर आज संयुक्त भ्रमण किया गया है मंडल आयुक्त जो हैं उनके द्वारा एवं मेरे द्वारा। और यहाँ पर जो पूरे क्षेत्र में लोगों से भी वार्ता की गई, संवाद किया गया, कहीं पर कोई भी ऐसी बात ना हो कि लोग अपना वोट ना डाल पाए, इस चीज़ को देखा गया। लोगों से जब संवाद किया गया तो लोगों के द्वारा उनसे अपील भी की गई कि अधिक से अधिक संख्या में लोग वोट डालें और लोकतंत्र के इस पर्व को जो सफल बनाएं। और लोगों ने बताया कि अभी किसी भी प्रकार का या किसी भी तरह का कोई भी ऐसा अराजक तत्व तो नहीं है जिस पर कार्यवाही होना शेष हो। यानी कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ की सीओ और एसडीएम की टीमें, इनके द्वारा लगातार अराजक तत्वों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की गई हैं। इन सभी को देखते हुए अंतर राज्यीय बॉर्डर को भी चेक किया गया है और अभी भी हम लोगों का भ्रमण जारी है। जो सीएपीएफ और बाहरी फोर्स आता है उनके रुकने के स्थलों को भी चेक किया गया है, चेक किया जा रहा है, अभी भी वही काम हम लोग कर रहे हैं ताकि जो सबसे अच्छी जगह हो रुकने की वहीं पर ही फोर्स को रुकवाया जाए, उनका मनोबल ऊंचा रहे और वो भी बहुत अच्छे से अपना ड्यूटी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।